प्रधानमंत्री मोदी ने यूं तो इस बार मन की बात में कई टॉपिक्स पर अपनी राय रखी, लेकिन कश्मीर पर जो मोदी ने बोला वो खास था। कश्मीर के बिगड़ते हुए हालात पर प्रधानमंत्री ने मन की बात की। पीएम ने कहा कि वहां जाने वाली एक भी जान पूरे देश का नुकसान है। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, उस कश्मीर की स्थिति के संबंध में देश के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर के एक स्वर से कश्मीर की बात रखी, दुनिया को भी संदेश दिया, अलगाववादी तत्वों को भी संदेश दिया और कश्मीर के नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाओं को भी व्यक्त किया। और कश्मीर के संबंध में मेरा सभी दलों से जितना इंटरेक्शन हुआ, हर किसी की बात में से एक बात जरूर जगते होती थी। अगर उसको मैंने कम शब्दों में समेटना तो मैं कहूँगा कि एकता और ममता, ये दो बातें मूल मंत्र में रही। और हम सभी का मत है, 125 करोड़ देशवासियों का मत है, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का मत है कि कश्मीर में अगर कोई भी जान जाती है, चाहे वह किसी नौजवान की हो या किसी सुरक्षा कर्मी की हो, ये नुकसान हमारा ही है, अपनों का ही है, अपने देश का ही है। पीएम मोदी ने पत्थरबाजों को एक तरह से चेतावनी भी दी। पीएम ने कहा कि जो लोग कश्मीर के युवाओं को इसमें झोंक रहे हैं, उन्हें एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। जो लोग इन छोटे छोटे बालकों को आगे करके कश्मीर में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी न कभी उनको इन निर्दोष बालकों को भी जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के मन की बात को सारे देश ने सुना और सारे देश के साथ साथ कश्मीर के लोगों ने भी सुना। मोदी के मन की बात ने कश्मीर के लोगों को भी उनका मुरीद बना दिया है। आप खुद सुनिए एक कश्मीरी की जुबानी मोदी के लिए उसके दिल की कहानी। मन की बात प्रोग्राम में जो उन्होंने बात बोली कि कश्मीर में अगर कोई नौजवान मरता है, कश्मीर में अगर कोई बच्चा मरता है तो वो पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है और वो बच्चे जो मरते हैं वो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी जी के बयान को देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसी बात बोलते हैं और उन्होंने ये भी बोला कि हम बातचीत करेंगे, तो अच्छी बात है उन्होंने। इस कश्मीरी का ये बयान एक करारा तमाचा है उन अलगाववादियों के गाल पर, जो भोले भाले कश्मीरी युवकों को भड़काकर उनको सड़क पर पत्थरबाजी करने को उतार देते हैं और खुद अपने एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं। ये तमाचा है पाकिस्तान के गाल पर, जो कश्मीर को भारत से तोड़कर अपने साथ जोड़ने का कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब देखता है। क्योंकि जिस देश के पीएम नरेंद्र मोदी हों, उस देश के बारे में ऐसा सोचना सिर्फ दिन में सपने देखने से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता।